शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भिवापुर पुलिस थाना हद में सावकारी मामले में एक किसान महिला को मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका विरोध करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की। भिवापुर तहसील अंतर्गत आने वाले वाकेश्वर गांव में किसान महिला से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने इस शर्मसार करने वाले प्रकरण की शिकायत जल्द से जल्द दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की तीव्र शब्दों में मांग करते हुए जिला अधिकारी को भाजपा की ओर से ज्ञापन दिया गया। साथ ही मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन करने का इशारा भी पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा दिया गया है। अत्यंत लाजिरवारी घटना या नागपूर जिल्ह्यात घडलेली आहे। एका महिलेला शेतामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी धिंड काढण्याचा प्रयत्न झालाय। पोलिसांनी आताच्या वेळेपर्यंत गुन्हा दाखल केला नाही। 24 तास घटनेला झाले आहे। राज्याचे गृहमंत्री नागपूरचे आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे, या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन 3 तासाच्या आतमध्ये गुन्हा दाखल केला पाहिजे। जर सावकारी प्रकरण असेल तर सावकारी कायद्यात गुन्हा दाखल केला पाहिजे। कोणतरी डिक्टेक करताय, व्यवस्था करा, हे करा, ते करा, त्यालाही पकडलं पाहिजे। आणि हे असं कृत्य हे समाजाला सोपण्यालायक नाही आहे। कोविडचा एवढा मोठा त्या ठिकाणी प्रकरण, कोविडचा महामारी सुरू आहे, या ठिकाणी आमदार माजी आमदार सुधीर पारवे आहेत, गिरीश व्यास आहेत, माननीय आमचे अरविंद गजबी आहे। या प्रकरणात जर गुन्हा दाखल झाला नाही तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, याकरता आम्ही जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं आहे। सोबतच या राज्यातल्या शेतकऱ्यांना केवळ 10% पीक कर्ज मिळालं आहे। या राज्यातील कापूस अजूनही विकत घेतला नाही आहे। नगरपालिका महानगरपालिकेचे 500 कोटी रुपये नागपूर जिल्ह्याचे सरकारने थांबून ठेवले आहे। जे नगरपालिका महानगरपालिकेला सरकारने दिले होते त्याला स्टे दिलाय, तो स्टे तात्काळ सरकारने उठवावा, अशा 4 मागण्याकरता निवेदन घेऊन आम्ही सर्व कार्यकर्ते आलो आहोत। जर हे सरकारने केलं नाही तर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेल, हे त्या ठिकाणी आम्ही आपल्या समोर नमूद करतोय। साथ ही किसानों को 10% ही फसल कर्ज दिया गया है। राज्य के किसानों के कपास की खरीदी अभी भी नहीं की गई है और अन्य मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को भाजपा की ओर से दिया गया। मांगे पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन करने का इशारा भी इस समय दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।